हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ घटना चक्र का सामान्य भूगोल पार्ट नंबर 5। और इसमें हम करेंगे घाटियाँ, दर्रें, हिमरेखा एवं हिमनद के बारे में। आपको पता ही होगा कि यूपीएससी और पीसीएस और अदर एग्जाम डे एग्जाम के लिए, यूपी के स्पेशल एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए कितना बेनिफिशियल होता है ये, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और थ्योरेटिकल पार्ट भी करवाए जाते हैं। तो 1990 से लेकर 2022 तक, 23 तक, सारे जो 21-22 तक क्वेश्चन है सारे इसमें इंक्लूड है, तो उसको करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो घटना चक्र में आज हम करेंगे हिम घाटियां वगैरह। तो कहाँ तक हुआ था आपका, तो कहाँ तक हुआ था ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने वीडियो पहले देखा है, नहीं देखा तो जाइए देखिए। और आज हम करेंगे, ये तो हो चुका था, आज हम करेंगे घाटियों के बारे में। एक लेटर ले लेते हैं। हाँ, घाटियों के बारे में करेंगे। तो हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है। किससे? समांतर श्रेणियों से निर्मित है। इसे कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ, भागीरथी घाटी और मंदाकिनी घाटी जो केदारनाथ के समीप है, और भागीरथी गंगोत्री के समीप है, कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश, जैसे कुल्लू मनाली सब जाते हैं, तो आदि अनेक घाटियाँ द्वारा प्रचारित किया जाता है। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण के स्थान पर यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य है। कहाँ पर है? धौलाधार पीर पंजाल के मध्य में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, और भारत चीन की सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। मरखा घाटी जो है वैले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी की प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2438 मीटर है, और ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत, मतलब जफू रेंज के पीछे जूकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी जो है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों ओर पर्वतीय चोटियों और वसपा मतलब रिवर से घिरी है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोडोडेंड्रॉन जो है एक एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हार्ट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन मतलब साइलेंट वैले केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो बस इतना ही है, और इसको अगर आप मैप के थ्रू करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको याद करके। चलिए क्वेश्चन पे करते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है वे हैं, कौन सी पर्वत है? वो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। 2 बार क्वेश्चन आया है। आगे करते हैं। हाँ, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग स्थित है उत्तराखंड में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो आगे है, मिलान करना है। मरखा घाटी कहाँ पर है? तो मरखा घाटी है जम्मू एवं कश्मीर में, और जूकू घाटी जो है वो है नागालैंड में, और सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, और युथांग घाटी है सिक्किम में। तो ऑप्शन डी सही है, और IAS 2006 में पूछा गया है ये। तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जूकू घाटी नागालैंड, और सांगला घाटी और हिमाचल प्रदेश, थुआंग घाटी सिक्किम में। तो निम्नलिखित कथनों में से पर विचार करना है। मौन घाटी जो साइलेंट वैली है राष्ट्रीय वन नल्ला मराई श्रेणी में है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पथरक डाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। साइलेंट वैली नल्ला मराई में नहीं, कहाँ पर है आपको पता ही होगा, उत्तराखंड के, सॉरी केरल के पलक्कड़ बालघाट में स्थित है। भारत में सांद घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है केरल में। और इसके बाद हम दर्रों पे आते हैं, तो दर्रों पे करते हैं। तो किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिसे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है, मतलब पास कहा जाता है। दर्रा पर्वत के त्रोड़ी मतलब बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जो कि 31 अक्टूबर 2019 से बना है,
में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 5,540 या 1,817.6 फीट है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सॉरी फीट में, 18,176 मतलब मीटर। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा क्या है? यांगजी दीवान, और जिसकी ऊंचाई कितनी? 5,890 मीटर है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, जिसमें श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकी ला शिमला, शिमला जो हिमाचल प्रदेश तिब्बत से को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रे जो मंडी ले जाने पर मार्ग से गुजरता है। थांगा ला दर्रा जो उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा जो हिमालय में भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे सिर बितयाला या डूंगरी ला भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला है। इसी दर्रे में देवताल स्थित है, जहाँ से अलकनंदा नदी सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिपु लेखा जो है ये कहाँ है? दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला एवं लिपुलेखा दर्रों में मानसरोवर झील कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर और 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। इन दो व्यापार पॉइंटों तो उत्तराखंड में लिपुलेखा एवं हिमाचल प्रदेश में सिपकिला वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए। नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा से तिब्बत से जोड़ता है। बमडीला अरुणाचल प्रदेश मतलब पश्चिमी कामेंग जिला एवं ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। यांग यापा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू व पांगसार दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार जिला पर स्थित है, सॉरी सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामो व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो ये मैप है, लेकिन मैप तो क्लियर है नहीं, तो आप अपने मैप से कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मैप के याद भी नहीं होगा। तो पश्चिम घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। पश्चिम घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित है थाल घाट दर्रे। मुंबई नागपुर और कोलकाता में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं, किससे? सालघाट से। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, इसे खांडला घाट भी कहा जाता है, और यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट दर्रा जो 394 मीटर पर नीलगिरी और अलाई श्रेणियों में से स्थित है। और पाल घाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट त्रिशूर कोयम्बटूर इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, मुलिंगला दर्रा गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। मौसमी दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है, आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन युक्त सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया। इससे यह पूर्व रिकॉर्ड बोलविया के नाम से था। तो ठीक है, आगे है दर्रे हैं और कौन से राज्य में है, तो केंद्र शासित प्रदेश में वो देखते हैं। जैसे खरदुगला काराकोरम जोजिला और चांगला, यह है लद्दाख में। खारदुगला काराकोरम जोजिला चांगला यहीं पर रट लीजिए। पीर पंजाल बनिहाल कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। सीपिला रोहतांग बाड़ा लाचा यांगची दीवान भाभा तारंगला मणिरंग कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। मुलिंगला माना नीति लिपुले कुंगरी भिंगरी नामा रालामा सिरला कहाँ पर? उत्तराखंड में। नाथुला जेलेपला कहाँ पर? सिक्किम में है। सेला बामडीला यांग यांग्याप दीफू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है।
और तूजू कहाँ पर? मणिपुर में है, थाल घाट भोरघाट महाराष्ट्र में, पाल घाट केरल में है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बामडी बामडीला कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड, तो ये गलत है। सेला कहाँ पे है? सेला आपका है अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट निम्नलिखित में किसके मध्य में स्थित है? तो वह नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और निम्नलिखित युगों में से किसने सुमेलित नहीं, कौन सा? बामडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम सही है, और भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, और ये जो है पालघाट केरल में सही है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो वह है खैबर दर्रा, थाल घाट, भोरघाट, पालघाट, यह खैबर दर्रे में, और पालघाट दर्रे पश्चिम घाट श्रृंखला में स्थित, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सीपीला जो हिमाचल प्रदेश, रिपुलेखा उत्तर प्रदेश में नहीं है, नाथुला सिक्किम है, जोजिला कहाँ पर है? जो जिला है कश्मीर में। तो लिपुलेखा जो है भारत चीन सीमा उत्तराखंड में स्थित है। सीपीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बामडेला अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ पर है? नाथुला से मेघालय दिया है, तो वह सिक्किम में, मेघालय में नहीं है। जो जिला जम्मू कश्मीर में सही है। आगे है, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं? तो नाथुला और सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी लिपुलेखा उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है। और निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता होता है? तो जो जिला होकर लेह जाने का रास्ता है। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में, एक मिनट, क्या, चलिए, वर्ष 2006 में, सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, तो करते हैं हम। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया? तो नाथुला खोला गया था 6 जुलाई 2006 को। यहाँ मिलान करना है, बनिहाल कहाँ? जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में, सीपीला हिमाचल प्रदेश में, तो वो ऑप्शन डी बी सही है। बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड और सीपीला हिमाचल प्रदेश, रट लीजिए सब कुछ। बुमला कहाँ पर है? तो बुमला जो है, बुमला है अरुणाचल प्रदेश, और जेलेपला कहाँ पे है? जेलेपला है आपका सिक्किम में, और सीपीला जो है वो सॉरी सिक्किम में है ये। सीपीला कहाँ पर है? सिक्किला हिमाचल प्रदेश, और मोलिंगला उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ पर है, तो बोमला कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला सिक्किम, और मुलिंगला उत्तराखंड, और सीपिला हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर मिलान करना है फिर से, तो माड़ा कहाँ पर? उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जो जिला जम्मू कश्मीर है, सीपिला हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन सी इसमें भी सही है। माड़ा दर्रा क्या है? उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जो जिला जम्मू कश्मीर, सीपिला हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जेलेपला सिक्किम है माना, और नीति उत्तराखंड में, सीपिला जम्मू कश्मीर में है, और बामडी कहाँ पे है? बामडी अरुणाचल प्रदेश, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में है। यही ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है लिपुलेखा, जिलेपला, नाथुला और सीपिला, ये कहाँ पर है? ये जहाँ पर है, आप देखें इतना पढ़े तो याद ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिपुलेखा दर्रा कहाँ पर है? तो लिपुलेखा उत्तरांचल में है। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो नाथुला कहाँ पे है? नाथुला जो है सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेखा उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। और रोहतांग दर्रा अवस्थित है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और किंगरी विंगरी नीति माड़ा, सब किंगरी विंगरी नीति माड़ा दर्रे हैं, कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा? तो सीपिला, नाथुला, बामडेला और रिपुलेखा, तो पहले हो जाएगा सीपिला हो जाएगा, फिर रिपुलेखा हो जाएगा, फिर जो होगा नाथुला होगा, फिर बामडीला होगा, क्योंकि सीपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, और बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा दर्रा स्थित है? तो जोजिला, नाथुला, रोहतांग, खैबर, ये नहीं है, बल्कि कौन सा था ये जो सर्वाधिक ऊंचा? नाथुला, नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 है, मतलब इनमें से नाथुला होगा, लेकिन
एक से ज्यादा दर्रे ऊंचाई पर हैं, यहाँ पर दिया भी गया है। 14,400 जोजिला दर्रा की ऊंचाई भी 11,578 मीटर है, रोहतांग दर्रा इतनी है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 मीटर है कि परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगची दीवान दर्रा है जो जो विकल्प में दिया ही नहीं है। तो यांगची दीवान दर्रा जो है वो कितना है, 5,890 उसकी ऊंचाई है। तो हिमरेखा हिमनद कर लेते हैं, तो हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं और अक्षांशों उच्चावच वर्ष की मात्रा ढाल स्थानीय स्थलाकृति की विभिन्नता के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है और परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5,500 और 6,000 के बीच में है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 मीटर है, मतलब पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत ऊंचाई हिमरेखा जो है 5,800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर है पाई जाती है। काराकोरम जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय के लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं जबकि पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी लाहुल और क्या होता है स्पीति प्रदेश के चंद्र घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है जिनमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पार जो है 61 किलोमीटर, बियाफो जो है 60 किलोमीटर, बारटोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी जो है 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इसके ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मिलाप हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में प्रक्षेत्र में अवस्थित है, मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद के से शारदा नदी का उद्गम होता है। ग्लेशियर जो है सियाचिन बाड़ा एवं ससायनी, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल इसका है। सियाचिन स्रोत ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससायनी, ये दोनों में जो डिस्कशन होता है इसके अनुसार पूछा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा इसे सियाचिन का स्रोत मानता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससायनी है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी यहाँ पर दिया है कुछ ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों की कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है जबकि इनकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध है। ऐसे हैं रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी। रिकॉर्ड ऑफ ग्लेशियर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन 45 मील है और ससायनी 11 मील है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 पेज नंबर 2260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेड चेंको ग्लेशियर है जो पामीर क्षेत्र में स्थित है जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। जो इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेड चेंको तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससायनी का स्थान बहुत पीछे है। तो वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी के अनुसार सियाचिन जो है 76.64 किलोमीटर है और ससायनी 17.85 किलोमीटर है। तो WGI के अनुसार जेमू जेमू एवं गंगोत्री की भी ससायनी से बड़े ग्लेशियर हैं। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों सियाचिन एवं विशाल ग्लेशियर तथा ससायनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है, अतः अभी भी ससायनी को का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वादी योग्य है, मतलब सही नहीं है। तो बारटोरो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, वियाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर है और द्वांग द्रोंग हिमानी यहाँ पर है, गंगोत्री यहाँ पर, यमुनोत्री और सतोपंत ग्लेशियर यहाँ पर है, मिलाप ग्लेशियर यहाँ पर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और गेमू ग्लेशियर। तो इस तरह से सारे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर हिमनद है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं इसको भी याद कर लीजिए। सियाचिन काराकोरम इसकी ऊंचाई इतनी है 77.64 और बियाफो काराकोरम में है 60 है और हिसवार भी काराकोरम 61 है और बारटोरो भी काराकोरम 58 है किलोमीटर और चोंगो लुंगमा जो है ये भी 50 है। काराकोरम खोर्दो जीन काराकोरम 41 किलोमीटर, रीमो कश्मीर में है 40 किलोमीटर पे, पुनमान कश्मीर 27 किलोमीटर, गंगोत्री उत्तराखंड 26 किलोमीटर, जेमू है सिक्किम नेपाल 25 किलोमीटर, ससायनी जो है काराकोरम में है 17.85 किलोमीटर पे, रूपल कश्मीर में है जो 16 किलोमीटर पे, दियामीर जो है कश्मीर में है 11 किलोमीटर पे। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, किसके बीच होती है, तो होती 4,300 से 6,000 मीटर के बीच पूर्व में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो सियाचिन स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये IAS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है सियाचिन।
तो सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो कंचनजंगा, रुडुंग, गंगोत्री, केदारनाथ। तो गंगोत्री सबसे बड़ा है। गंगोत्री की ऊंचाई 26 किलोमीटर है और रुडुंग की 19 है, कंचनजंगा की 16 है, केदारनाथ की 14 है। और निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे विशाल है सियाचिन। तो यहाँ पर नाप भी दिया गया है। आगे चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। और हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे ज्यादा, सबसे कम या सबसे अधिक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो वह है मिलाम। अगला क्वेश्चन,